नमस्कार, मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। यूपी में दूसरे चरण और उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है और अब उम्मीदवारों के पराक्रम की परीक्षा होनी है। 14 फरवरी को मतदान के जरिए जनता अब तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। वहीं हम आपको बताते हैं कि यूपी के दूसरे चरण और उत्तराखंड की सभी सीटों पर होने वाले मतदान के दौरान क्या कुछ खास समीकरण बनते दिख सकते हैं और वो कौन से खास चेहरे हैं जिनकी साख ताव पर लगी हुई है। यूपी में दूसरे दौर की लड़ाई, यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर कौन पड़ेगा भारी? उत्तराखंड में जीत के लिए होगी चढ़ाई, उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान की पूरी तैयारी। यूपी में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और इसके साथ ही शुरू हो गई है दूसरे चरण का चौधरी बनने की वो लड़ाई जिसका आखिरी फैसला जनता को करना है। 14 फरवरी को यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा, जिसके बाद इन सीट पर लड़ने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। 14 फरवरी को यूपी के सहारनपुर, बिजनौर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं जिले की विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। अब आपको आंकड़ों के जरिए 9 जिलों की 55 सीटों का पूरा सियासी गणित भी समझाते हैं। 2017 के नतीजों पर नजर डाले तो 9 जिलों की 55 सीटों में भाजपा ने 38 सीटें जीती थी, 15 सीट पर सपा और 2 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। वहीं बसपा का खाता तक नहीं खुला था। नतीजे के मुताबिक 70% सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। भाजपा ने 2017 में इन 55 सीटों में 38 सीटें जीत कर इतिहास रचा था, लेकिन अब हालात बदले हुए। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में नाराजगी है और साथ ही मुस्लिम वोटर भी इन सीटों पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई सीटों पर मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। दरअसल रामपुर में मुस्लिम वोटरों की आबादी 50% से ज्यादा है, मुरादाबाद में ये संख्या 47% के करीब है, तो बिजनौर में 43% मुस्लिम वोटर है, वहीं अमरोहा में 40%, तो बरेली में मुस्लिम वोटरों की तादाद 35% के आसपास है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि कैसे दूसरे चरण में मुस्लिम मतदाता किसी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। हालांकि 2017 में भाजपा ने ध्रुवीकरण और जातिगत समीकरण के जरिए यहां पर ऐसी सियासी बिसात बिछाई थी जिसके सामने दूसरी पार्टियों की एक नहीं चली थी। 14 फरवरी को जहां एक और यूपी के 9 जिलों की 55 सीट पर मतदान होगा, तो वहीं उत्तराखंड के सभी 13 जिलों की 70 सीटों पर भी वोटिंग होगी, जहां पर 2022 के रण का मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। 14 फरवरी को उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी की 70 सीटों पर मतदान होगा। अब आपको उत्तराखंड के पिछले यानी 2017 के नतीजे से भी रूबरू कराते हैं। 2017 में उत्तराखंड की 70 सीटों में भाजपा ने 57 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं 2 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई थी। वहीं 14 फरवरी को उत्तराखंड के सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। अब आपको उत्तराखंड की उन हॉट सीट के बारे में भी जानकारी देते हैं जिन पर दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव मैदान में, कांग्रेस के हरीश रावत लाल कुआं सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री से चुनाव मैदान में, कोटद्वार से पूर्व सीएम भुवन सिंह खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी चुनाव लड़ रही, देहरादून कैंट से भाजपा के दिवंगत नेता हरवंश कपूर की पत्नी सविता कपूर मैदान में, हरिद्वार ग्रामीण सीट से भाजपा ने स्वामी यतीश्वरानंद पर भरोसा जताया है, जबकि हरिद्वार सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मैदान में। यूपी में दूसरे दौर और उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है, जिसके बाद अब इंतजार है तो 14 फरवरी को होने वाले मतदान का, जहां जनता अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला करने वाली और इस रण में किसे शह और मात मिलेगी, ये तो 10 मार्च को मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
एबीपी गंगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का मतदान 14 फरवरी को होना है, लेकिन इसके पहले ही पहाड़ के सियासी गलियारों की तपेश उस वक्त बढ़ गई जब प्रचार के आखिरी दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का राग छेड़ दिया। सीएम धामी ने दावा किया कि अगर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो शपथ के फौरन बाद ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा बनाने वाली समिति का गठन किया जाएगा, जिसके बाद पहाड़ पर सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा। मतदान से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर घमासान। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए नाराजगी भी व्यक्त की है। चुनाव जीतने पर समिति बनाने का हुआ ऐलान। अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित करेगी। सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। उनसे कहिए पहले लोगों के पेट भरे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मचा महासंग्राम। उत्तराखंड में 14 फरवरी को प्रदेश की जनता मतदान करने वाली है, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के एक ऐलान से सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ऐलान किया है कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो शपथ के फौरन बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने वाली समिति का गठन किया जाएगा और इसे जल्द से जल्द उत्तराखंड में लागू कराया जाएगा। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक कदम होगा और संविधान की भावना को मूर्त रूप देगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये भी जानकारी दी कि वो जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं वो कैसा होगा और उसका दायरा क्या होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में कई मामले आएंगे। विवाह, तलाक जैसे मामले इसके दायरे में होंगे। जमीन जायदाद उत्तराधिकार के मामले भी इसके दायरे में आएंगे। सभी धर्म के नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सैलान के बाद सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ दिखाई दिया। समान नागरिक आचार संहिता को लेकर सीएम धामी ने जो ऐलान किया उसका समर्थन कई भाजपा नेताओं ने भी किया और दावा किया कि समान नागरिक आचार संहिता से प्रदेश के हर नागरिक को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड की एक यूनिक कल्चर है और लंबी साल तक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री उत्तराखंड के इस देवभूमि में है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और ये यूनिक कल्चर को और शक्ति देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये जो निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत मर्द आदमी हैं और मैं कल ही उनके यहाँ सभा करके आया हूँ। भारी बहुमत से वो सरकार बना रहे हैं, मैं उनके विचारों का सम्मान करता हूँ। वहीं जहां एक और भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किए ऐलान को शानदार बता रहे हैं तो दूसरी ओर विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया और पुष्कर सिंह धामी के इस ऐलान पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। जहां प्रियंका गांधी ने सीएम धामी से पहले लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात कही तो वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे भाजपा का पुराना पैतरा करार दिया है। सिविल ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, उसको लेकर क्या कहना है? उनसे कहिए पहले लोगों के पेट भरे जी, समझे? उनसे कहिए रोजगार दिलवाइए, महंगाई हटाइए, लोगों को मजबूत बनाइए, तब ये सब बातें हों। आर्टिकल 29 ये कहता है कि हर व्यक्ति को, हर समाज को अपने कल्चर को प्रिजर्व और प्रैक्टिस करने का इख्तियार है। MIM पार्टी इसको एक महज एक शकूफा जुमला समझती है चुनाव से पहले, क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में हार रही है, जमीन खिसक रही है, इसीलिए इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का राग छेड़ा उससे कई बड़े सवाल खड़े हो गए। हालांकि भाजपा के कई नेता उनके ऐलान को सही साबित करने की कोशिश में जुट गए तो वहीं विपक्षी नेता इसे भाजपा की सियासी साजिश बता रहे हैं।
चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिस तरह से सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, उससे भाजपा को कितना सियासी फायदा मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कर्नाटक में उठे हिजाब पर विवाद की आंच अब यूपी तक पहुंचने लगी है, जहां पर अलीगढ़ की सपा नेता ने इसे लेकर बड़ा विवादित बयान दे दिया है। अलीगढ़ की सपा नेता रुबीना खानम ने हिजाब को हाथ लगाने वालों का हाथ काट देने की धमकी दी है और इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं हिजाब को लेकर यूपी में सियासत भी धीरे धीरे गर्म होती दिख रही है। स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। हिजाब पर सपा नेता के बिगड़े बोल, अगर हमारी इज्जत से खिलवाड़ करोगे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। हिजाब को हाथ लगाया तो काट देंगे हाथ, या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। कर्नाटक के हिजाब विवाद में यूपी में बढ़ाई गर्मी, कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद की तपिश अब यूपी में भी महसूस की जाने लगी है, जहां पर हिजाब को लेकर अलीगढ़ की सपा नेता ने ऐसा बयान दे दिया जिससे नया विवाद खड़ा हो गया। अब आपको सपा नेता रुबीना खानम का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो हिजाब को हाथ लगाने वालों के हाथ काटने की बात कहती दिख रही है। मैं रुबीना खानम, समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता अलीगढ़। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। वहीं सपा नेता रुबीना खानम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद एबीपी गंगा ने जब रुबीना खानम से इस बयान को लेकर सवाल किया तो आप खुद देखिए कि कैसे वो अपनी बात को दोहराते हुए दिखाई दी। बेहद तल्ख अंदाज में सपा नेता रुबीना खानम ने हिजाब का विरोध करने वालों को धमकी भी दे डाली और साफ साफ कहा कि अगर कोई भी हिजाब को हाथ लगाएगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने संविधान से ऊपर उठकर कोई बात नहीं कही, मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर हमारे आंचल पर हाथ डालोगे, अगर हमारी इज्जत से खिलवाड़ करोगे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। सपा नेता रुबीना खानम के इस विवादित बयान को लेकर अलीगढ़ के भाजपा सांसद सतीश गौतम ने भी बयान दिया है। भाजपा सांसद सतीश गौतम ने कहा कि सपा की महिला नेता हिजाब को लेकर जिस तरह के बयान दे रही हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि उन्हें मानसिक इलाज कराने की जरूरत है। जो महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा जो बोल रही है, उन्हें समझ नहीं है किस मानसिकता से बोल रही है। उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। इस तरह के वर्तव्य देने से पहले सोचना चाहिए मैं बोल क्या रही हूँ। केवल चमकने के कारण ऐसे बयान देना, ये देश के लिए, प्रदेश के लिए, स्वयं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ओर जहां हिजाब को लेकर सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु कर्नाटक में उठे विवाद को सियासतदानों की साजिश बता रहे। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती जाहिद हिजाब को हजारों साल पुरानी तहजीब बता रहे और इस पर उठे विवाद को वोट का चक्कर करार दे रहे। हजारों साल और सैकड़ों साल से चली आ रही है, सिवाय इलेक्शन के मौके पे अपने आप कोई नोट बनाने या कंट्रोवर्सी पैदा करना या हिंदू मुस्लिम का प्रकरण खड़ा करना, इसके अलावा कोई अहमियत नहीं है। वरना अगर कोई अपने मजहब के मुताबिक तिलक लगाए, जनेऊ पहने या क्रॉस लटकाए या पगड़ी पहने या कृपाल लटकाए या कोई और इस तरह की काम करे जो उसको समझ में आता है। कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मामला गर्म दिख रहा है, जहां पर शुक्रवार को बड़ी तादाद में छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। ये लोग हिजाब पर प्रतिबंध की मुखालफत कर रहे थे। हिजाब पर प्रतिबंध का विरोध अपनी जगह है, लेकिन इस पर दिए गए भड़काऊ बयानों को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के प्रचार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी कन्नौज पहुंचे, जहां पर उन्होंने न सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा बल्कि आएंगे तो योगी का नारा भी दिया। पीएम मोदी ने सपा के गढ़ माने जाने वाले कन्नौज में हुंकार भरी और दावा किया कि पहले चरण के मतदान के बाद ही परिवारवादियों की नींद खराब हो गई है। कन्नौज के सभी भाइयों बहनों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। तीसरे चरण के लिए पीएम मोदी की हुंकार। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अभूतपूर्व लहर मैंने देखी है। कन्नौज से विरोधियों पर सीधा प्रहार। घोर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। आएंगे तो योगी ही नारे से विपक्ष पर तंज। आएंगे तो योगी ही। तीसरे चरण के लिए पीएम मोदी का ऐलाने जंग। भारत माता की, भारत माता की। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम गया है और पीएम मोदी ने अब तीसरे चरण के प्रचार की बागडोर संभाल ली, जिसके तहत वो चुनाव प्रचार के लिए कन्नौज पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और विरोधियों पर एक के बाद एक कई हमले किए। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर परिवारवादी होने का आरोप लगाया और दावा किया कि पहले चरण के मतदान के बाद परिवारवादी पार्टियों की नींद हराम हो गई है। घोर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है।